तो आज हम बात करेंगे 5 टिप्स के बारे में जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज कि अपने काम को पूरा करो, कोई भी काम है आपका, ठीक है, उस काम को पूरा करो। काम को पूरा जब आप कर लेते हो ना, कोई भी काम है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है आपको। ठीक है, कैसा भी काम है, अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। जब आप उस काम को अच्छे से करते हो, पूरे मन के साथ करते हो, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने लगता है। जैसे कि मेरा एक एग्जांपल कि जब आप कुछ खेल रहे हो, लेट सपोज कि आप क्रिकेट खेलने गए हो, ठीक है, और जब आप हर बॉल के साथ बहुत अच्छा खेलते जाते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप बैठे होते, आपका दिमाग खाली होता है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। मगर जब आप अपना काम कर रहे होते हो, पूरे दिल से कर रहे होते हो, मन से काम कर रहे होते हो, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होने लगता है। तो अपने काम को पूरा करो। दूसरी चीज, जो भी आप कर रहे हो उस चीज में आपकी क्या प्रोग्रेस है उसको देखते रहो, उस प्रोग्रेस को एनालाइज करो। कोई भी, कहीं पे भी हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को देखो, उस काम को एनालाइज करो। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपना काम कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होगे। अगर आप आज कुछ काम करते हो और कुछ काम 10 दिन बाद करते हो, तो आप एनालाइज नहीं कर सकते कि आपका प्रोग्रेस क्या है। आपको वो काम रोज करना होगा। जब आप काम अपना रोज करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा, मेरा ये काम चल रहा है, मेरा ये काम नहीं चल रहा है, या मैं जब ये करती हूँ या जब मैं ये करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज कर पाओगे, उसके बारे में सोच पाओगे और नई नई स्ट्रैटेजीज बना पाओगे कि कैसे आप अपने प्रोग्रेस को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, 10x कर सकते हो। तीसरी चीज, डिसीजन लो, सही डिसीजन लो। ठीक है, कैसे लेना है, वीडियो एक बना रखी है, उसको देख लो। तो जब भी आप कुछ काम करते हो ना, तो वो काम सही काम चुनो। हो सकता है कि हर बार जो सही काम होगा वो आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा, मतलब कि आपको उस काम को करने में अच्छा नहीं लगेगा, मगर वो काम करने से आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, ऐसे काम होते हैं कि वो काम आपको पसंद नहीं है, बट वो काम जब आप करोगे तो आपको फायदा होगा। वो डिसीजन लेना सीखो। ठीक है, कि जब आप उस तरह के काम करने लगते हो ना जिससे आपको फायदा मिले या आपके थ्रू किसी और को फायदा मिले, तो वो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज करता है। क्योंकि जो खुशी मिलती है ना वो सब काम करने के बाद, कि यार ये काम मेरे से तो होने नहीं वाला था लेकिन मैंने फिर भी इसको कर दिया, जो खुशी मिलेगी वो बहुत ही अच्छी होती है। तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर जाने लगेगा। चौथी चीज, देखो जो अभी तक मैंने बताया वो सब मेंटल था, है ना, अभी क्या है कि थोड़ा फिजिकल भी हमें होना पड़ेगा, फिजिकल मेंटली दोनों तरह से हमें प्रिपेयर होना है। तो एक्सरसाइज करना शुरू करो, ज्यादा नहीं कि जिम मत ज्वाइन कर लो कि मेंबरशिप ले ली और फिर हो ही नहीं रहा है, मगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। अगर नहीं हो रही है तो कभी कभी करो, अल्टरनेटिव डेज पे करो, लेकिन उसको करो, है ना, एक टाइम सेट कर लो, 5 मिनट 10 मिनट बहुत होता है इतना। अगर आपको नहीं मन लगता, जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज में मन लगे, जैसे जो मेरा लास्ट पॉइंट था कि मन नहीं होता है लेकिन वो काम आपको बेनिफिट देगा, ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करो। ज्यादा ये नहीं कि आप 1 घंटा उसमें दे रहे हो, अगर आपका मन नहीं करता, 1 घंटा देना बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप 10 मिनट 15 मिनट दिन के दे दो, ठीक है, एक्सरसाइज में। तो उससे क्या होगा, मेंटल फिजिकल दोनों आपकी ग्रोथ बनी रहेगी, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, काम करोगे और सारे पॉइंट्स आपके जो मैंने बताए हैं वो एक सिंक में हो जाएंगे। पता है, फेल होना खराब बात नहीं होती है, लेकिन फेल होने से डरना बहुत खराब बात होती है। हम फेल होने से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं उस जो हमारा जो फियर होता है ना उस फेलियर के लिए, ठीक है, कि हम फेल हो जाएंगे। पहले हम कुछ भी काम करते हैं तो दिमाग में तो पहला यही है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहली चीज तो फियरलेस बन जाओ, है ना, आप ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम करने जा रहे हो तो वहां पर फियरलेस बन गया, ऐसा नहीं करना है हमें। मगर जब आप कुछ भी काम करते हो ना, तो उसमें फेल होने से डरो मत। फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा कि ये फेल हम हुए हैं तो ये क्यों हुए हैं, है ना, वहां से कुछ नया सीखोगे, उसको कहीं और जाके अप्लाई करोगे। देखो, आज जो फेल हो रहे हो ना उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है कि आज क्या हुआ है, लेकिन जब तुम 2 साल आगे जाके देखोगे या 2 महीने आगे जाके देखोगे, ठीक है, और जब वहां से आप पीछे देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा, ये जो चीज हुई है ये इसलिए हुई थी, ठीक है। तो फेल होने से डरो मत, और अगली वीडियो में फिर से मैं 5 टिप्स दूंगा, और तब तक इसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।